नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और इसके जो है हम 4 एच स्टिच रखेंगे, दो दो एच स्टिच दोनों तरफ। तो जो आज का डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे 3 पोर्शन के साथ, मतलब इसके ये जो है डिज़ाइन का एक एक पार्ट ये है ये, और आज हम जो है 3 के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। तो 3 के लिए हमें चाहिए होंगे 8 के मल्टीपल में 24 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 25 फंदे, और 4 फंदे होंगे हमारे एच स्टिच। तो अभी जो है हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये मैंने 29 फंदे डाल रखे हैं और मैं अपनी बुनाई की सीधी तरफ हूँ, मतलब जो है एक सिलाई फंदे डालने के बाद, एक सिलाई बुनने के बाद अब जो है हम अपनी बुनाई सीधी तरफ से शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई जो है हम उल्टी बुनेंगे। पहली सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुने उतारना है, उसके बाद पहली सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। अब आगे दूसरी सिलाई पे, पहली सिलाई हमने उल्टी बुनी पूरी, दूसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद सारी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। मतलब कि सीधी तरफ से पहली सिलाई पूरी उल्टी बुननी है और उल्टी तरफ से जो है सिलाई पूरी सीधी बुननी है। पहली सिलाई पूरी उल्टी, दूसरी सिलाई पूरी सीधी, तो हमारे पास ये जो है इस तरह से जो आगे का हिस्सा है, सीधा हिस्सा है, उस पे हमारे पास ऐसे दो पर्ल लाइन दिखेंगी, लेकिन इसमें पहली सिलाई उल्टी है और दूसरी सिलाई सीधी है। अब यहाँ से है हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। हमारे पास इस डिज़ाइन में दो एच स्टिच हैं, दो एच स्टिच मतलब पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा इसके साथ सीधा बुनेंगे। ये दो फंदे हम हर सीधी सिलाई में इसी तरह से उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये दोनों हमारे एच स्टिच हैं और ये जो हैं ये पैटर्न के जो डिज़ाइन है उसके फंदे हैं। एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया, दो फंदे सीधे बुने, एक और ये दो, दो फंदे सीधे बुनने के बाद जो अगले दो फंदे हैं उसमें से ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हम आगे लेके आएंगे इस तरह से। इसको आगे लेके आएंगे, आगे लाने के बाद हम ये तीन फंदे जो हैं इनको इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। ये तीन फंदे इकट्ठे बुने, उसके बाद फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ किया, दो फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। अब अगले जो दो फंदे हैं इनमें से जो दूसरा फंदा है इसको आगे लेके आएंगे इस तरह से। दूसरा फंदा आगे आ गया, अब यहां से ये तीन फंदे जो हैं इनको हम इकट्ठा बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ किया, दो फंदे सीधे, एक और ये दो। यहाँ पे इन दो फंदों की पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब पीछे वाला फंदा जो है उसको हम आगे लेके आएंगे इस तरह से, और तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, ऊन को अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा, और ये लास्ट में हमारे ये दो एच स्टिच हैं दोनों सीधे।
उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी, पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब आगे अपनी अगली सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद अगला एच स्टिच सीधा बुना, ये दोनों एच स्टिच। अब यहाँ पे जब हमने इसको डिज़ाइन को शुरू किया था तो एक फंदा सीधा बुना था, अब यहाँ दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे बीच वाले फंदे को आगे लेके आएंगे, तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे जिस तरह से हमने पिछली बार किया था, इस तरह से एक फंदा सीधा बुना। पिछली बार जब हमने बीच में तीन फंदे किए थे तो दोनों तरफ दो दो फंदे थे, लेकिन दूसरी सिलाई में यहाँ पे जो बीच में तीन का हमने एक किया उसके दोनों तरफ एक एक फंदा होगा, और यहाँ पे हम ऊन को अपनी तरफ किया और तीन फंदे सीधे बुने, एक दो और ये तीन। पिछली बार ये एक फंदा था, इस लाइन में ये तीन फंदे हो गए, ऊन को अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा। अब ये बीच वाले फंदे को आगे लेके आएंगे और तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा, बीच वाले फंदे को आगे लेके आए और तीन फंदों का एक फंदा किया। एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, ये दो फंदे सीधे और लास्ट वाले दो एच स्टिच ये भी सीधे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की सीधी तरफ की तीसरी सिलाई पे, हम ये जो हमारी पहली दो सिलाई थी सीधी तरफ से एक उल्टी और एक सीधी, हम इनको काउंट नहीं करते हुए, ये जो मेन डिज़ाइन है इसको काउंट करते हुए जो है अब हमारी आगे डिज़ाइन की सीधी तीसरी सिलाई। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, ये है दोनों एच स्टिच। अब पिछली बार पहली सिलाई में ये एक फंदा हमने बुना, उसके बाद हमने ऊन को अपनी तरफ किया था एक फंदा बढ़ाने के लिए, दूसरी सिलाई में दो फंदे सीधे बुने थे, अब यहाँ पे हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, मतलब कि पहली सिलाई में एक फंदा, दूसरी में दो और तीसरी में ये तीन हो जाएंगे, ये दो एच स्टिच, एक दो और ये तीन। इसके बाद ऊन को अपनी तरफ किया और ये बीच वाले फंदे को, मतलब हर बार हमने ये जो बीच वाला फंदा है उसी को आगे लेके आना है ताकि हमारी जो ये है ये जो सीधी चेन आ रही है वो ना टूटे, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तीन का एक किया, ऊन को अपनी तरफ किया, अब यहाँ पर पिछली बार तीन फंदे थे सीधे बुनने के लिए हमारे पास, ऊन को अपनी तरफ करने के बाद अब हो जाएंगे पाँच, एक दो तीन चार और ये पाँच। ऊन को अपनी तरफ किया, बीच वाले फंदे को आगे लेके आए, तीन फंदों का एक फंदा किया, ऊन को अपनी तरफ किया, बीच में पांच फंदे सीधे बुने, एक दो तीन चार और ये पांच। ऊन को अपनी तरफ किया, बीच वाला फंदा सबसे आगे लेके आए, तीन फंदों का एक फंदा किया, ऊन को अपनी तरफ किया और साइड पे हो जाएंगे हमारे तीन तीन फंदे। बीच वाला जो है उसमें होंगे पांच फंदे, साइडों पे होंगे तीन तीन फंदे, ये तीन फंदे डिजाइन वाले और ये दो एच स्टिच। तो अगर हम टोटल एच स्टिच के साथ काउंट करेंगे तो साइडों पे भी हमारे पांच पांच फंदे होंगे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। ये हो गया हमारे डिजाइन का फर्स्ट पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे
ये जो पहली दो स्लाइड थी उनको दोहराएंगे। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन है इसको हमने एक बार जिस तरह से डाला है, दूसरी बार जो ये डिज़ाइन हमने डालना है ये दो के बीच में डालना है, मतलब इस तरह की ही इसकी सिमेट्री बनानी है। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी डाल सकते हो, लेकिन हम जो ये डाल रहे हैं पहली लाइन जो पहला पोर्शन है हमारा इतना डिज़ाइन का, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो इन दो के बीच में आएगा। तो उसके लिए ये जो है पहली दो सिलाई हैं इनको हम दोहराएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, जिस जहाँ से हमने डिज़ाइन शुरू किया था पूरी सिलाई उल्टी। अब अगली सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे जिस तरह से पहली दो सिलाई बुनी थी हमने। मतलब हर बार डिज़ाइन को जब हमने चेंज करना है तो हमने ये दो सिलाई बीच में दोहरानी है, सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई सीधी। अब यहाँ पे ये जो हमने हमारा जो चेन वाला डिज़ाइन है इसे हम एक ये पोर्शन है इसका और एक ये है, हमने अब जो अगला डिज़ाइन डालना है इसके बीच में डालना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, ये दोनों एच स्टिच हैं। अब यहाँ पे पिछली बार जब हमने स्टार्ट किया था तो एक फंदा सीधा बुना था, लेकिन यहाँ पे इस फंदे की हम पोजीशन इस तरह से चेंज करेंगे और दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से, मतलब स्टार्टिंग में ही एच स्टिच के साथ ही दो का एक करेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा, फिर उनको अपनी तरफ किया, अब बीच में उसी तरह से दो फंदे सीधे पहली सिलाई में, ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम आगे लेके आएंगे क्योंकि आगे हमने तीन का एक करना है, बीच वाले फंदे को सबसे आगे लेके आए और तीन का एक किया, फिर दो फंदे सीधे एक और ये दो, उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया दो फंदे सीधे एक और ये दो, और फिर यहाँ पे तीन फंदों में से बीच वाला फंदा सबसे आगे लेके आए और तीन का एक किया, दो फंदे सीधे एक और ये दो, उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया दो फंदे सीधे। स्टार्टिंग में हमने फंदे की पोजीशन चेंज की थी तब दो का एक किया, लेकिन एंड में हम इसको सीधा ही दो का एक कर देंगे इस तरह से, लास्ट के दोनों एच स्टिच सीधे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। अब आगे अगली सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, उसके बाद इस फंदे की पोजीशन चेंज की और दो का एक किया। पिछली बार यहाँ इसके साथ हमने दो का एक करने के बाद दो फंदे सीधे बुने थे, यहाँ एक फंदा सीधा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ किया बीच में तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन, उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा और बीच वाले फंदे को आगे लेके आए, उसकी पोजीशन चेंज की तीन का एक इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया तीन फंदे सीधे एक दो तीन, उनको अपनी तरफ किया एक फंदा सीधा, बीच वाले फंदे को आगे लेके आए, उसकी पोजीशन चेंज की
ताकि एक परफेक्ट चेन बने हमारे पास, तीन का एक, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे सीधे, दो तीन, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा, दो का एक किया, उसके बाद ये दोनों एच स्टिच सीधे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी। अब आ गए अगली सीधी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और दो का एक किया। ये दो का एक करने के बाद उनको अपनी तरफ किया, बीच में पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर उनको अपनी तरफ किया, बीच वाला जो फंदा है उसको आगे लेके आए और तीन फंदों का एक किया, उनको अपनी तरफ किया, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और ये पांच, उनको अपनी तरफ किया, बीच वाला फंदा आगे लेके आए, तीन का एक किया, उनको अपनी तरफ किया, पांच फंदे सीधे, उनको अपनी तरफ किया और ये दो का एक, लास्ट वाले दो फंदे सीधे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। यहाँ पे फिर अगली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी। जो स्टार्टिंग वाली दो सिलाई थी अब यहाँ पे वो दोहराएंगे, पहली सिलाई पूरी उल्टी, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई सीधी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई सीधी, पहले वाली दो सिलाई है यहाँ पे हम वो दोहरा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम अपना डिज़ाइन इसको दोहराते हुए पूरा करेंगे। इसमें डिज़ाइन एक ही है लेकिन उसको डालने का जो स्टार्टिंग में है थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, मतलब कि ये जो है एक एक डिज़ाइन का एक एक पोर्शन है ये, और पहली बार जो हम ये छोटा ये जो डाल रहे हैं पोर्शन में, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिज़ाइन का पोर्शन डालना है वो दो के बीच में आएगा, और हर बार डिज़ाइन को ये दो सिलाई जो है सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से सीधी वो इसको अलग करते हैं। तो अगर बहुत इजीली अगर इसको याद करना हो तो एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, दोनों को अलग करने के लिए बीच में ये दो सिलाई सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से सीधी। तो इसी तरह से इसको दोहराते हुए हम अपना डिज़ाइन पूरा करेंगे।